Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूँ आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रिवा कुमार। लिसनर्स, वी वंस अगेन हैव रिवा जी ऑन एयर विद अस। बात करेंगे हम वास्तु के बारे में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आवर लाइफ एंड कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी ज्वाइंस अस फ्रॉम नाउ टिल 3 PM और हम बात करेंगे वास्तु के फायदों के बारे में कि अलग अलग जो भी अड़चन हमारी लाइफ में हम फेस करते हैं, कोई भी समस्या होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, मानिए या ना मानिए, उसका एक रिलेशन डेफिनेटली वास्तु के फॉल्ट से होता है। वास्तु के जो डिफेक्ट्स होते हैं कई बार हमारी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और एक छोटे से चेंज से, एक छोटे से वास्तु को डिफेक्ट को फिक्स करके आप देख सकते हैं कि उसका सीधा रिलेशन कैसे आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है, उससे पड़ता है। लिसनर्स, घर के लिए, वर्क प्लेस के लिए कमर्शियल वास्तु, रेजिडेंशियल वास्तु हर तरह के होते हैं। यू शुड हैव दोज बिल्डिंग्स जहां पे भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका घर या आपका ऑफिस या आपका क्यूबिकल या आपका कोई भी जो वर्क प्लेस है, कमर्शियल स्टोर है या हॉस्पिटल है या गैस स्टेशन है, एनी प्लेस शुड बी वास्तु कम्प्लायंट। कैसे उसको वास्तु कम्प्लायंट कर सकते हैं, हम जानते हैं रेवा जी से। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं सो यू कैन कॉल हर ऑन 510-868-3338 पर। दैट्स द नंबर टू कॉल आफ्टर द शो, 510-868-3338। वेबसाइट इज वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु .com एंड यू कैन सेंड हर एन ईमेल ऑन divineavc@gmail.com। चलिए बिना किसी देर के रेवा जी से बात करते हैं। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, अलग अलग सिचुएशंस मैंने आपसे कई बार पूछी हैं, आई आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस कि अच्छा इस बारे में वास्तु क्या कर सकता है, उस बारे में। वी नो कि हमने मिरर्स के बारे में बात की है, हमने विंडोज के बारे में बात की है, आज हम एक काम करते हैं, डोर्स के बारे में बात करते हैं। जो दरवाजे होते हैं कि दरवाजा कहाँ खुलता है, किस तरफ होना चाहिए, क्या किस चीजें हो सकती हैं, और दरवाजों की जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं उस बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट डोर्स एंड वास्तु। ऑफकोर्स, बिल्कुल, डोर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी लिसनर्स को, जी हाँ, आज ईद है, ईद की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए ये ईद। कुछ भी जो आज अभी तक हम लोग पिछले एक साल से परेशानी से गुजर रहे हैं, उन सबसे हमें बाहर निकाल के हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छा करें। तो सभी लिसनर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अब आ जाता है जो आपने सवाल किया है डोर्स के ऊपर में। ऑफकोर्स डोर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। इवन की जो वास्तु का हम कैलकुलेशन भी देखते हैं, वास्तु की पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मेन एंट्रेंस डोर को देखते हैं कि मेन एंट्रेंस डोर किस तरफ फेस कर रहा है। अब मेन एंट्रेंस डोर है वो डायरेक्शन कहाँ फेस कर रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन डोर हमेशा, एंट्रेंस डोर हैज टू बी बिगर देन ऑल अदर डोर्स, मीन्स कि जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर है अगर वो बड़ा होगा तो वहां से जो एनर्जी घर के अंदर आनी है वो ज्यादा से ज्यादा आएगी। दूसरा, डोर हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, ताकि वहां की जो पॉजिटिविटी है हम घर लेके आए।
मैं कई बार देखती हूँ कि जैसे कईयों का अगर एंट्रेंस डोर छोटा है लेकिन या बड़ा भी है लेकिन उनके कई दूसरे रूम्स के भी, जैसे मास्टर बेडरूम का हो गया, कई दूसरे रूम्स के डोर भी बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका एंट्रेंस डोर बड़ा है तो उसके दोनों दरवाजों को, उसके जो दोनों पार्ट्स हैं उनको खोलने की पूरी कोशिश कीजिए। और अगर रूम में, किसी बेडरूम में या किसी और रूम का अगर डोर बड़ा मिल रहा है आपको, तो उसके आप एक साइड को बंद कर सकते हैं परमानेंट और एक दरवाजे को यूज कीजिए। लेकिन मेन एंट्रेंस डोर हमेशा बड़ा हो और उसके दोनों साइड के पार्ट्स को खोलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि एक को लॉक रखे और एक को खोले अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका एंट्रेंस डोर और आपका जो बैक यार्ड का डोर है वो एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहिए, ताकि वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाए, बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका एंट्रेंस डोर है और बैक यार्ड का भी अगर ईरा है एक दूसरे के सामने आ रहा है, तो उसको आप बहुत इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं। या तो आप वहां पे कटन लगा दीजिए, और कटन नहीं लगा सकते हैं तो आप क्रिस्टल हैंग कर सकते हैं या कोई मेटल का विंचेन भी हैंग करेंगे, ताकि जो हमारी फ्रंट डोर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो हमारे बैक डोर की तरफ एकदम आमने सामने होने से वो एनर्जी बाहर ना निकल जाए। अगला आता है डोर्स के लिए, जैसे कि कई बार देखा जाता है कि आपका एक ही साइड, एक ही लाइन में तीन कमरे या तीन रूम्स आ रहे हैं, तो तीनों जो डोर हैं रूम के वो खुल रहे हैं, एक ही साइड में खुल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। उसको भी आपको रेक्टिफाई करना है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए, डोर्स के लिए, आप तीनों, जैसे थ्री रूम्स हैं या एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो आप उनके बीच में कहीं भी छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट्स रख सकते हैं। अगर आप लगते हैं कि इट्स वेरी नैरो, आपके चलते वक्त वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको सीलिंग पे भी हैंग कर सकते हैं, ताकि उसको डिवाइडर की तरफ दे रहे हैं, हमको एक रो में तीन डोर्स नहीं देने। लिसनर्स, ध्यान रखिए कि अगर आपका बेडरूम है, बेड की जब भी पोजीशन हो इस तरह से होनी चाहिए कि आपके जो फीट हैं, आपके पांव हैं, कभी डोर की तरफ फेस नहीं करें। अगर आपके पांव डोर की तरफ फेस करेंगे तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अनवांटेड प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप किसी प्रॉब्लम से घर से बाहर रहना शुरू कर देंगे। तो कभी भी पांव सीधा डोर को पॉइंट नहीं करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई वे नहीं है तो आप डायरेक्शन, उसकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं हेड की, लेकिन उस पोजिशन को जरूर ठीक करिए। अगला आता है डोर का, वाइल्ड सिटिंग और वाइल्ड स्टडिंग द डोर शुड नेवर बिहाइंड यू। जैसे कि आपका ऑफिस है, आजकल आप ज्यादातर घर से ही काम कर रहे हैं, आपका होम ऑफिस है, तो आपके ऑफिस की टेबल की इस पोजीशन को रखें कि कभी भी आप जब बैठे तो आपके पीछे वो डोर नहीं होना चाहिए या विंडो नहीं होना चाहिए। वैसे ही स्टडी के टाइम में भी, चाहे बच्चे स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, आपकी बैक साइड के ऊपर में भी डोर नहीं होना चाहिए। आपके जो ऑफिस की पोजीशन है, आप इस तरीके से आप अपने ऑफिस को करें कि आपके पीछे सॉलिड वॉल हो, लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट मिलने के लिए आता है, कोई गेस्ट आता है, लेट देम, उनकी उनकी बैक साइड पे अगर कहीं नॉर्थ का, उनके बैक साइड पे अगर डोर आता है तो वो ज्यादा बेटर है, वो अच्छा है, ताकि वो आपसे पॉजिटिवली आपसे बात करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, या आपकी जो डील है वो सक्सेस होगी और उसके बाद वो बहुत शांति से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बैक के पीछे डोर हुआ और उनकी वॉल आई, तो वो उनके वो डोमिनेट रहेंगे, आपको उन्हीं की कंडीशंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, क्योंकि मैं एक और भी बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ कि डोर हमेशा, खास तौर पे बाथरूम का, टॉयलेट का, यहाँ के डोर को बंद करने की आप आदत डालें। कई बार देखा जाता है कि बच्चे उसको खुला छोड़कर आ जाते हैं। नो, बाथरूम की, टॉयलेट का अगर कहीं पे भी आप देखते हैं कि वो आपके नेचुरली बेडरूम के साथ ही अटैच होगा, लेकिन उस पोजीशन में होना चाहिए कि या तो वो विजिबल नहीं हो, और अगर विजिबल हो रहा है तो उस डोर को, बाथरूम के डोर को हमेशा बंद रखें, वो खुला नहीं रहने दीजिए। डोर के कलर्स के ऊपर में भी बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी डिपेंड करती है। जैसे कि कई बार आप डोर को पेंट कर देते हैं, वो आपको अकॉर्डिंग की डायरेक्शन कीजिए। जनरल अगर कोई भी डोर है लाइट ऑफ वाइट कलर का, लाइट बेज कलर का, बहुत अच्छा होता है, लेकिन डोर को ब्लैक और रेड कलर में आप पेंट नहीं करें।
ब्लैक और रेड नहीं करने, ओके. हाँ जी, ब्लैक और रेड में इरप नहीं करना, ब्लैक तो करना ही नहीं है. लेकिन कई बार अगर जैसे कि अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है तो अगर आप चाहें तो उसके ऊपर में लाइट सी ग्रीन कलर का, लाइट बेज कलर का भी पेंट कर सकते हैं. नॉर्थ का है तो उसको आप व्हाइट कलर के लाइट टर्म में पेंट कर सकते हैं. अब अगर साउथ फेसिंग घर है तो वहां पर आपको क्या करना है, डोर का कोई भी लाइट ब्राउन कलर या रोज वुड कलर दे दीजिए. आप उसके ऊपर का जो बॉर्डर है उसको हल्का सा रेड पेंट कर दीजिए. बिकॉज साउथ इज रिलेटेड विथ मार्स, वो आपको उस घर की पॉजिटिव एनर्जी को, वहां की ग्रोथ को, वहां की स्टेबिलिटी को बहुत स्ट्रांग करता है. लेकिन ब्लैक कलर का या पूरा रेड कलर का अगर आप पेंट करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आएगा. अच्छा, पूरा नहीं करना है. पूरा नहीं करना है आपको. और अगर कोई घर साउथ ईस्ट फेसिंग है और वो ग्लास का डोर रहते हैं तो वहां पे ये नहीं कि ग्लास का डोर लगाया तो हमें विजिबिलिटी है इसलिए चोरी होने का डर रहेगा. नो, बिकॉज इट इज साउथ ईस्ट विच इज फायर एलिमेंट, वहां पे कभी भी ग्लास का डोर नहीं होना चाहिए. और अगर किसी कारणवश आपका ग्लास का डोर है तो आप अंदर की तरफ कहीं पे भी उस डोर के ऊपर में लाइट पिंक कलर के, वेरी सॉफ्ट पिंक कलर के या सिल्वर कलर के कर्टन्स लगा सकते हैं. अच्छा, ओके. उसको कर्टन्स को आप लगाइए. जी, कई जगह पे ये भी मैं देखती हूँ कि बहुत बड़े बड़े घर हैं या अलग अलग लेवल्स के ऊपर में, दैट इज फाइन. लेकिन आपको बाथरूम का जो डोर है, जैसे कि किचन का डोर है, वो आप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए. अगर आप टॉयलेट का डोर खोल रहे हैं और सामने किचन आ रही है तो वो भी गलत है. उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं सीरियस हेल्थ इश्यूज रहने शुरू हो जाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि ऐसे ही है कि इमीडिएटली बाथरूम का डोर या हाफ पाउडर रूम है उसको खोलते ही सामने किचन का स्टोव विजिबल है, तो उसको भी आप रेक्टिफाई करने के लिए उसके अंदर या तो डिवाइडर लगा सकते हैं या क्रिस्टल बॉल की या विंड चाइम की हेल्प भी ली जा सकती है. जी, पूजा करते समय जिस समय भी आप बैठे, आप पूजा कर इस तरीके से अरेंज करें कि आप पूजा पे जब बैठे तो आपके पीछे भी डोर नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने बताया कि काम करते समय या पढ़ते समय हमारे पीछे डोर नहीं होना चाहिए, वैसे ही पूजा के समय भी हमारे पीछे डोर नहीं होना चाहिए. पूजा करते समय पीछे डोर नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उसकी बैलेंस एनर्जी ले रहे हैं तो इमीडिएटली आपकी बैक साइड पे नहीं डोर हो. एग्जैक्टली पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे की साइड में कहीं आजू बाजू हो सकता है. दैट इज दैट ओके रेवा जी? दैट इज ओके, दैट इज ओके, लेकिन एकदम पीछे नहीं होना चाहिए. सेम कई घरों पर जैसे कहते हैं कि छोटा घर है, जैसे ही एकदम आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं सामने पूजा की जगह है, नो. मैं मानती हूँ कि वहां आप घर से जा रहे हैं या घर में जब भी आ रहे हैं आपका एक छोटा सा पूजा का स्थान है जहां आप हाथ जोड़ के माथा टेक के जाते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी पॉजिटिव. लेकिन एकदम एंट्रेंस डोर होते ही सामने पूजा का अगर स्थान है तो वो गलत है. उससे क्या कि आपकी जितनी पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब बाहर निकल रही है. ओके, ऑलराइट, वी हैव टू मेक इट करेक्ट कि हमारे को आपके पीछे वॉल होनी जरूरी है, ना कि डोर मेन एंट्रेंस डोर पे भी नहीं. कि अगर आपको सोचते हैं कि छोटा सा रूम बना सकते हैं या रूम के कॉर्नर में बना सकते हैं, दैट इज फाइन. आप इस तरह से बना के उसका पूरा फायदा लेके ले सकते हैं. और अगर डोर है और आप बोल रहे हैं कि उसकी एनर्जी नहीं निकलनी चाहिए, तो अगर हम डोर बंद कर दिया करें, इज दैट ऑल्सो नॉट ओके? देखिए, व्हाइल डूइंग प्रेयर्स इट इज नॉट, उस समय हमारे को वॉल ही चाहिए. वॉल ही चाहिए, ओके. उस समय वॉल ही चाहिए, उस समय वॉल होनी चाहिए हमारे पास में. जी, अब इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया, ये मैंने आपको घर के लिए बताया है. ऑफिस की पोजीशंस में भी हम रहते हैं. अब ऑफिस की पोजीशंस पे कई बार ऐसा डोर होता है कि जो टू वे, मतलब कि स्लाइडिंग होगा या दोनों साइड से खुल सकता है ऑफिस के लिए, उसके लिए पर हम काम कर सकते हैं. वहां पर जरूरी नहीं है, जैसे कि मेन में कहा कि घर के लिए एंट्रेंस डोर अंदर की तरफ खुलना चाहिए. बाकी रूम्स का जो डोर है वो बेशक बाहर की खुले या अंदर का खुले, कोई बात नहीं है. लेकिन जो घर का डोर एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए, एंट्रेंस डोर है, वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए. नेक्स्ट है, अगर कोई भी एंट्रेंस डोर आपका वाइड ओपनिंग, इट हैज टू ओपन टुवर्ड्स राइट, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन. मतलब कि राइट साइड में आपका डोर खुल रहा है तो बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका लेफ्ट साइड में डोर खुल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन वहां पर आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन किधर को वो फेस कर रहा है उसके ही मुताबिक आप वहां पर सिल्वर या कॉपर या मेटल का कोई भी चीज लगा के उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट,
आप किसी अगर सपोज कर लीजिए कि आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, नेचुरली अपार्टमेंट्स में हम सारी चीजें तो नहीं हमारे को एक जैसी मिल सकते हैं. सामने वाले का डोर अगर हमारा डोर एक दूसरे को फेस कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. अच्छा, एक दूसरे को दिल डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहिए. उससे क्या होगा कि वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वो इमिजिएटली आपके घर में आएगी और बाउंस करेगी, जिससे आपको ज्यादा नुकसान होगा. आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स के साथ में झगड़ा हो सकता है, खुद आप भी फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं. तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए सेम ही है कि या तो आप सेंटर में कोई मेटल का विंड चाइम हैंग कर दीजिए या क्रिस्टल कॉल हैंग कर दीजिए. और अगर आप सोचते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, तो बहुत सिंपल मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ कि अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पर, अपने एंट्रेंस डोर के बाहर साइड पे आप हॉरिजेंटल 3 येलो लाइन पेंट कर दीजिए, येलो कलर की 3 लाइन पेंट कर दीजिए, और उसके ऊपर में आप कोई भी डोर मैट रख दीजिए, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से. 3 येलो लाइंस आउटसाइड. हाँ जी, आउटसाइड हॉरिजेंटल कर सकते हैं ताकि वहां की नेगेटिविटी को खत्म कर सके. मेन एंट्रेंस के डोर के बाहर भी कई बार हिंड्रेंस मिलती है, जैसे कि एकदम आपका एंट्रेंस डोर है, बाहर बहुत बड़ा पेड़ है, या कहीं पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. कई बार वो टेलीफोन पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल हैं, तो ये भी हमारे को बहुत नेगेटिविटी देते हैं. इमीडिएटली हमारे एंट्रेंस के बाहर ये चीजें एंट्रेंस पे नहीं, हिंड्रेंस नहीं. जितना आप अपना डोर क्लीन रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी और आपको हार्मनी मिलेगी. क्योंकि कई लोगों को आदत है कि वो घर के बाहर एंट्रेंस डोर के बाद में अपने जूते लगा देते हैं. जी नहीं, बिकॉज योर मेन एंट्रेंस डोर इज अ माउथ ऑफ योर हाउस, वो आपका माउथ है. तो अगर आपको शूज बाहर उतारने भी हैं, तो आप एक साइड में, वो जो भी डायरेक्शन है उसके एक साइड में एक छोटा सा आप क्लोजेट, कवर्ड क्लोजेट रख सकते हैं, शू क्लोजेट रख सकते हैं, जिसमें आप आए और शूज उतार दीजिए. लेकिन मेन एंट्रेंस डोर पे इमीडिएटली डोर के बाहर पे कहीं जूते नहीं पड़े होने चाहिए. जी, आई रिमेम्बर आपने पहले भी एक शो में इस बारे में बात की थी कि जूते जो हैं वो मेन डोर के बाहर नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी. तो उसे वहां रख सकते हैं बट कवर करके, मतलब नजर नहीं आए. नजर नहीं आने. अच्छा. प्लस डोर को बंद करते वक्त, खोलते वक्त कई बार नॉइज होती है, आवाज आती है कर कर की. अगर कुछ ऐसी आवाज आ रही है तो उसका मतलब कि वो आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम लेकर आ रही है, आपको नेगेटिविटी देगी, एक हिंड्रेंस है वो वॉइस. तो उसको आप कुछ भी ऑयल डाल के कुछ भी करके रेक्टिफाई करें. कई बार ये भी पाया जाता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा हो तो घर में झगड़ा भी बहुत रहता है. तो यू हैव टू फिक्स इट. अगर कोई भी डोर के ऊपर में बंद करते वक्त, खोलते वक्त, किसी भी डोर की हो, चाहे वो मेन एंट्रेंस का हो, चाहे रूम्स का हो, या बाथरूम का हो, टॉयलेट का हो, सभी रूम्स के डोर के अगर कहीं पर भी ऐसी आवाज है तो उसको जरूर फिक्स करें. फिक्स करें. ओके. तो आवाज नहीं आनी चाहिए जो दरवाजे की जो क्रीकिंग नॉइज होती है, भूत बंगले के जैसी जो आवाज आती है. बिल्कुल उसी तरह से डोर के बाहर कोई भी चीज खाली मत रखें. बहुत देखती हूँ कि लोगों ने पिछली दिवाली के दिए जलाया, अभी तक उनके दीवार दरवाजे के, जी नहीं, वो खत्म हो चुके हैं. आप उन दियों को उठा के आप मिट्टी में डाल सकते हैं, किसी पॉट में डाल सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, किसी पेड़ पे रख सकते हैं, लेकिन डोंट कीप, बिकॉज दोज थिंग्स आर डेड थिंग्स एंड स्टिल इफ इट इज आउटसाइड योर हाउस तो इट इज ब्रिंगिंग नेगेटिविटी. वो आपके मूड को डाउन करेगी, आपको पेशेंस को खत्म करेगी. तो वहां पर कहीं पे भी कोई खाली पॉट नहीं रखें, टूटे गमले नहीं रखें. जितना आप एंट्रेंस डोर को डेकोर करेंगे, जितना उसको खूबसूरती से रखेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा. ओके. रेवा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ दैट वी हैव अप्रोक्सीमेटली 7 मोर मिनट्स टू गो. तो अगर आपके पास में अपने घर के या अपने वर्क प्लेस के वास्तु को लेके कोई भी सवाल होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी ऑन 510-657-1170. दैट्स 510-657-1170. ये है स्टूडियो का नंबर. लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं किसी बारे में, अपने वास्तु के सवाल को लेके, तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 510-868-3338 एंड हर वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com. अपने घर का मैप, नक्शा या लेआउट अगर आप उन्हें भेजना चाहते हैं तो पेपर पे उसे बना के अपने डिग्रीज, डायरेक्शंस वगैरह सब मार्क करके
आप ईमेल भेजिए divineavc@gmail.com, ए एज इन एप्पल, वी एज इन विक्टर, सी एज इन चार्ली, divineavc@gmail.com. जी रेवा जी, लेट्स कंटिन्यू. बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके घर के डोर का डेकोर करना. जैसे कि कहीं पे भी आप देखेंगे कि डोर के ऊपर में आप खूबसूरत पेंटिंग लगा सकते हैं, वंदन वाट जिसको हम बोलते हैं तोरण लगाते हैं, उसको लगा सके. कलरफुल होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी वो हर चीज को वेलकम कर रही है. कभी भी अगर आप देखिए ईरा किसी के घर जाते हैं, जब तक आप उसको स्माइल से वेलकम नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उसने हमारे को अच्छी तरह से मिले नहीं है. उसी तरह से अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर है खूबसूरत बनाया हुआ है तो आप ये देखिए कि आप वहाँ की उसकी एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं. खास तौर पे डोर पे मैं अपने सभी लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि आपका घर अगर ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मेक योर हैबिट कि एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम में आप चाहे 10 मिनट अपने घर को डोर को खोल के रखें. वो वहां के घर की पॉजिटिव एनर्जी सनलाइट को आने दीजिए. जितना आप इसके घर के दरवाजे को जो 10 मिनट खोलेंगे 15 मिनट खोलेंगे उतना ही वो आपको फायदा देगा. रेवा जी, वी हैव अ कॉलर, इनसे बात करते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. या थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल. रेवा जी, माय मेन डोर इज साउथ ईस्ट फेसिंग, सो आई नो दैट समबडी टोल्ड मी इज नॉट गुड. व्हाट कैन आई डू टू फिक्स द प्रॉब्लम? जी देखिए, इफ इट इज फेसिंग साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट फेसिंग अगर घर होता है तो बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद फायर एलिमेंट और घर की फीमेल्स के थोड़ा स्ट्रेस लेकर आता है. कई बार हमारे को चोरी होने का या आग लगने का भी डर रहता है साउथ ईस्ट फेसिंग घर में. इसके लिए बहुत जरूरी है आप इस घर पे अंदर और बाहर दोनों तरफ में आप सिल्वर वायर जरूर लगाइए ताकि वो फायर एलिमेंट को कूल करे. नहीं तो खास तौर पे आपके फ्रेंड्स आएंगे, ऐसा आएगा इस घर के अंदर एक बार तो जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद में आप प्रॉपर जो होता है ना उसको उसका फायदा नहीं ले सकेंगे. आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए आएंगे लेकिन वही आपके फ्रेंड्स बाहर जाके आपके लिए अलग अलग बातें करेंगे. इस तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए फायर एलिमेंट को कूल करना बहुत जरूरी होता है. तो यू जस्ट पुट सिल्वर वायर को लीजिए. अगर घर के बाहर की साइड में और अंदर दोनों साइड में अगर आप सिल्वर वायर को लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदा देगी. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. रिवा जी, हमारे पास में अब करीब मेरे ख्याल से 3-3.5 मिनट और बचे हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है डोर्स, दरवाजे, जो घर का मेन डोर है या बैक डोर्स होते हैं या फिर जो कमरे के डोर्स भी होते हैं, उनसे बारे में हम बात कर रहे थे आज. रिवा जी, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड? मैं जाते जाते बिल्कुल ऑफकोर्स टिप देना चाहूंगी आज के इस वीक के लिए, दैट इज रिलेटेड विद स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है. एंड आई जस्ट विश टू ईच एंड एवरी वन कि उनको सक्सेस मिले. और ये सुपर डुपर टिप अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, खासकर मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. बहुत सिंपल टिप है, यू हैव टू सी कि आपकी पेंसिल अनशार्पन नहीं होनी चाहिए. प्रॉपरली शार्पन पेंसिल्स को आप अपने साथ लेके जाइए और ट्राई टू गिव आंसर. मानती हूँ कि ज्यादातर आपके लोग कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, लेकिन ब्लू इंक को, ब्लू पेन को अपने साथ जरूर रखें और उसमें प्रॉपर इंक होनी चाहिए. अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो भी आप ब्लू कलर का पेन अपने साथ में रखिए और प्रॉपर पेंसिल जो शार्प हो वो पेंसिल अपने साथ लेके जाइए. और अगर आप सोचते हैं कि ऑलरेडी आपको आंसर पेन के साथ में देना है तो आप ब्लू वाला इंक वाला पेन को जरूर से जरूर यूज कीजिए. दिस इज वेरी गुड. ये आपको मैं एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ. इसके साथ ही मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी आपका एग्जाम है, जो भी पेपर आप देना चाहते हैं, आपको जाने से पहले आपने पूरा स्टडी कर लिया. बिना पढ़े तो आप नहीं पास होंगे. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको उसको करने के बाद में जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है उसी दिन एग्जाम के दिन में आप अपने किसी भी नोटबुक के ले लीजिए, उसके व्हाइट पेज पे, मीन्स की क्लीन नोटबुक होनी चाहिए, उसके व्हाइट पेज के ऊपर में जिस पेन को मैं आपको कह रही हूँ कि आप साथ लेके जाइए, उस ब्लू पेन के साथ में यू हैव टू राइट डाउन 3 नंबर्स, दैट इज 555. 3 numbers you have to write on 555. Then you have to write that divine universe. I am manifesting myself. Today I am going to get a success in my examination. बिल्कुल सिंपल वे में आपको डिवाइन यूनिवर्स को थैंक्स करते हुए ये करना है कि यस यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन.
स्कोर अपना 100% लेके चलिए एंड आई एम श्योर कि आप 100% ही अचीव करेंगे, लेकिन ब्लू पेन और शार्प पेंसिल जरूर अपने साथ लेके जाएं। जी, और ये सभी उम्र के जो लोग हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है या फिर सिर्फ छोटे स्टूडेंट्स के लिए ही? बिकॉज यहाँ पे हम लोग सब फोर्स करते हैं, एग्जाम देते हैं, सभी के लिए है। लेकिन अगर आपकी पेन की निब टूट गई है, वो पेन बिल्कुल साथ नहीं रखना, नहीं आपको वो नहीं रखना, टूटी हुई पेंसिल को आपको साथ नहीं लेके जाना। जी, वेल रेवा जी, थैंक यू सो मच। आज हमारा जो शो है वो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन एयर और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपने बात की, इतनी सारी टिप्स हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू वंस अगेन। लिसनर्स, आप फोन कीजिए रेवा जी को ऑन 510-868-3338। वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और आप ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर। रेवा जी ज्वाइंस अस हियर, हमसे हमेशा बात करती हैं थर्सडे को 2:30 से 3 बजे के बीच में, तो सुनना ना भूलिएगा अगले हफ्ते भी। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। लिस्टनर, पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। विजिट divinevastu.net। डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट।